बरसे में परमारथ नहीं कारणे प्रभु चारू दारी दे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम ही पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव ही चढ़े। भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी वनवास में रवाना हुआ और गंगा तट पर केवट ने क्योंकि केवट मान नदी पार करा, केवट समझ गयो कि आज मारा द्वार पर बैकुंठपति भगवान आ गया। अब मैं यहां का चरणा न धोऊं लेकिन कई प्रकार हूं, तो केवट एक उपाय लगायो। भगवान ने कियो, भगवान बताना मारी नाव में न बिठाऊं क्योंकि था का पगाऊं। एक पत्थर लुगाई को रूप ले लियो, एक शिला नारी को रूप ले लियो भगवान, या नाव तो लकड़ी की से। अगर एक पत्थर की लुगाई बन जाओ तो लकड़ी ने मर्दन डील कर लगे। मैंने सुना है आपके चरणों में न जाने बात क्या, छूते शिला नारी बनी तो काट की औकात क्या। मेरा ये रोजगार है रोजगार बिन प्रभु जात क्या, करिए कृपा करुणा निधि मुझ दीन के संग घात क्या। भगवान मैं गरीब आदमी छू, अरे नाव शू कमार खाऊ जो अगर एक लुगाई तो पहली चली, अभी नाव भी लुगाई बन जाओ तो फिर कमार खाबा को चक्कर पड़ जाए। अरे मेरी बनी काट की तरणी पद रस धरत मुनि पद धरणी, मुझसे क्या की खोटी करनी नार नारी है क्या। भगवान साची ओ भगवान साची कहो ना विचारी है क्या। भगवान साची सत्य है मन में शिला नारी भाई, झूठ नहीं है सत्य है मन में शिला नारी भाई, पावन है काष्ठ से कठिन कैसे भरोसा हो दई। भगवान यह सत्य बात है कि आपका चरणों में एक पत्थर लुगाई बन गयो तो मैं ऐसी गलती न करूं आपने नाव में न बिठा सकूं। मेरी जावे नाव डुबाई रोवे बच्चे और लुगाई, मेरी जावे नाव डुबाई रोवे बच्चे और लुगाई, इस विष पालू मुठ में घुसाई नार नारी है क्या। भगवान साची ओ भगवान साची बिचारी है क्या। भगवान साची
साची कहो ना बिचारी क्या लगन साची के बट बोले भगवान अब तो एक ही इलाज है को कथा न मनाओ मैं जल्दी बिठाऊं स्वीकार विनती है अगर स्वीकृति मुझको दीजिए पहले चरण धुलवाइए इतना अनुग्रह कीजिए। एक तक मैं जो वर्ड जी संस्कृत का जाते हम जब तक पद पंकज ना पखारू नाव नाम ना लीजिए जब तक पद पंकज ना पखारू नाव नाम ना लीजिए पाव नहीं नैया में दैया इतना अनुग्रह कीजिए। के भगवान मैं आपका चरण धोऊं और पेड़ धन नाव में बैठाऊं ऐसी फेर समय नहीं आनी सारी बात करूं मनमानी सेले चरणों तक नाम लाया धार है प्रभु को बिटा बल्ली लगा करता भया जयकार है। अरे शंकर भगवान ब्रह्मा जी पुष्पा जी बरसात कर दी जो पद ब्रह्मा दिख नहीं धोए वो पद के वट मल मल धोए भी दया की कर दो निजन श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर भी दया की कर दो निजन श्याम सुंदर है मुरलीधर श्याम सुंदर है मुरलीधर मुझ पर भी दया कर दो और अब केवट भगवान ने नदी के पार उतार दिया लेकिन केवट ने मजदूरी देवा वास्ते भगवान को तो कहीं से एक जोजी का रूप में निकले हुए थे तो राम जी का मन की बात न सीता माता जान गया जान पिया का हिया की बात जान पिया का हिया की बात सिया ने मुंदरी दे गई देने लगे केवट को तो कह के अनुचित ना लई जान पिया का हिया की बात सीता माता भगवान ने मुंदरी दी अरवा बेटी में हीरा पन्ना जवाहरात की बेटी तो केवट ने देवा लगे भगवान तो केवट बोले भगवान मैं आपसे मजदूरी कौन ले सकूं क्योंकि आपकी जात हमारी जाति की है नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी देखे मजूरियां प्रभु जात ना बिगाड़िए
भगवान बोलिया केवट थारी जात मारी जाती है किसान होगी। केवट बोले भगवान मैं तो छोटी नदी को केवट क्या बजा वाला नदी पार कराऊं जो थे तो पूरा संसार का केवट छोड़ जाए। गंगा का माजी मैं हूं सिंधु भव सिंधु माजी आप हैं करना नाथ उतराई भव से पार यही मेरी उतराई है। गंगा का माजी मैं हूं सिर्फ भव सिंधु माजी आप हैं करना भव से पार नाथ यही मेरी उतराई है। करके प्रभु पद कमल प्रणाम केवट हर्ष चला निज धाम माता शंभु सिंह निज राम सुधि विचारी है क्या भगवन साची भगवन साची चंद्र भगवान की। एक समय अर्जुन ने गर्व किया मन माई मेरे सम कोई भक्त नहीं तो सुनिए यादव राय। एक बार अर्जुन का घमंड हो गया भगवान कृष्ण ने क्योंकि भगवान मारे समान आपको कोई भगत को नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन ने क्यों अर्जुन अर्जुन गर्भ अच्छा नहीं चल दे भगत बताए नर नारायण चल दिए तो दोनों बन के माए। दोनों साधु बन गए सिंह पकड़ लिया एक मोर ध्वज के द्वार पर करी धर्म की टेर। मोर ध्वज का द्वार पर भगवान अर्जुन और कृष्ण भगवान सिंह साथ देर पहुंच गया। सिंह हमारा भूखा है राजा भोजन दो करवाए चीरो अपने लाल को ये और मांस नहीं खाए। साधवा रूप में बोले राजन भोजन तो करा लेकिन पहली माँ को सेठ जी मीर बाद में और सिंह ने तारा बेटा को मांस सावे। सुनकर राजा वचन को हो गया डामाडोल तुरंत ही जाकर महलों में रानी से दी सब खोल। राजा रानी ने सारी बात बताई कि रानी तो साधु आया और वन अपने बेटा को मांस सावा का सेठ ने तो रानी बोली प्राणनाथ हे प्रजापति ए मारा जगदीश ऐसा साधु कौन सा जो मांगे सुत को शीश। खेलत खेलत कंवर भी आ गया नजदीक ए मेरे माता पिता मुझे कहो कैसी धर्म की रीत। रानी बोली बेटा गजब होगी दो साधु आए जरमाने थारो शरीर को मांस सब तो रतन कंवर बोले माता शरीर तो नाशवान छे बढ़िया ये संतक हाथ मारो अगर मारी मौत हो जाओ तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। रतन कंवर अपनी मां ने समझावा लगी मां रो मत माता क्यों मन में घबरावे वो तन काम कछु नहीं आवे। माता क्यों मन में घबरावे वो तन काम कछु नहीं आवे। माता मारी हो जावे तो भारी
ऐसे दरा सिर पर आ रहा रे हला ऐसे दरा सिर पर कैसे दरा सिर पर आ रहा रे लाला कैसे दरा सिर पर आ रहा रे रानी बोली मेरे बेटे जागरण क्या बेटा मारा हाथ उधर मत सन मारू मारे नहीं बेटा दो चार तने कैसे देऊं मार मारे नहीं बेटा दो चार तने कैसे देऊं मार मारे थारी हो जावे तो फार मेरे हाथ के द्वारा रे लाला कैसे दरा सिर पर आ रहा रे लाला कैसे दरा सिर पर देखो कि पुत्र नारी और पति अब ने रतन कमर भी राजी कि माता मन मारो और यहां का सिंह ने डालो तो कभी की कल्पना है धीराज धारम मित्र अरुणारी आपत काली आरा प्रजा रोवे बारंबार राजा रोवे बारंबार खून का चले फवारा रे लाला कैसे दरा सिर पर आ रहा रे लाला कैसे दरा सिर पर आ रहा रे कवर की गीनी जब निकली जान रंग भीनी एक सिंगी बली को दीनी दूजी रंग महल धर दीनी एक सिंगी बली को दीनी रतन कमर की दो फाड़ गरी एक तो शेर ने डाल दी एक मेला में धरा दी अर्जुन बोले भगवान गजब की था का भगत तो मारो भी तगड़ा भगत से अपनी औलाद ने काट दी अतरी बार देखी तो रानी का बाई आंख में आंसू आ गयो रानी बोली महाराज या एक बार तो इस शेर ने डाल दी है एक मैल में क्यों धरी इन्हें भी खुआ उभरी भगवान बोलिया कि राजा एक तरफ दान भी करो इसे एक तरफ रो भी रिया सुते अगर तेरे औलाद में भोजन न करा जीम वाला चार लेकिन पांच बादल लगवा दी पांच बादल लगवा दे राजा मर्दज बोले महाराज खानो खबाड़ा तो चार ही दो थे दो में पनवाड़ा पांच लगाया राजा रानी बैठाया भगवत ने वचन सुनाया तेरा कमर क्यों नहीं आया आ, 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 आ,
लाला हे बेटा ये सिंगरा सिर पर यारा रे लाला और संत बोलिया राजा जीमाला बा पांच था बेटा ने भी आवाज लगा राजा बोले महाराज मारा बेटा तो मारा हाथ मार बेटो बेटो आई लेकिन देखो भगवान की कृपा अच्छी परेशानी भगवान हेला अर्जुन से पढ़वाया लड़का तोड़ महल से आया हेला अर्जुन से पढ़वाया लड़का तोड़ महल से बजरंग चीरा रे लाला कैसे दरा सिर पर आ रहा रे लाला तुझके लाला ओडे रेशमी गुसाला आडे मोर तुझके लाला ओडे रेशमी गुसाला आडे मोर तुझके लाला कल में मोतियों की माला मुख में बजरंग बिड़ा रे लाला कैसे दरा सिर पर तो कभी की कल्पना है राजा मोहर दस बोले भगवान ऐसी परीक्षा और मत लीजियो जैसी परीक्षा आज इस जमाने का मैंने साधु महात्मा हार चाहे साक्षात भगवान या जावे और बेटा ने मांग ले तो बेटा ने तो कौन दे साधु को काम कर दे खत्म धर्म पर डट जाना है कोई बात बड़ी संविधान
बेचा लड़का रानी पर नीच कर पानी बिके तू बिकी जा।